नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर जो होता है उस डीसी जनरेटर में, मतलब दोनों में क्या समानताएं होती है और दोनों में क्या भिन्नताएं होती है, तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूं। आज ये वीडियो बनाने देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो कि पता चल गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे मेन टॉपिक है कि जो एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर मेनली जो होता है, आज के टाइम में आप जहां भी विद्युत सप्लाई देख रहे हो, सभी जो बड़े स्तर पे पैदा की जा सकती हैं वो मैग्नेटिक यानी मैग्नेट से ही पैदा, यानी विद्युत के जो चुंबकीय प्रभाव हैं यानी चुंबकत्व की वजह से जो विद्युत पैदा होती है, वही बड़े स्तर पे पैदा की जा रही हैं। वही आपको आपके घरों में या कहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हर जगह पहुंचाई जा रही हैं। तो एक अल्टरनेटर या जनरेटर होता है जिसकी वजह से विद्युत वाहक बल बड़े अमाउंट में हमें मिल पाता है। देखिए, सोलर एनर्जी हो या फिर बैटरी से हो, कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पे हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़े स्तर पे हम अल्टरनेटर या स्टीम टरबाइन से भी अल्टरनेटर को कनेक्ट कर देते हैं, या किसी बांध वगैरह से भी हम अल्टरनेटर को ही कनेक्ट कर देते हैं, या पवन चक्की से अल्टरनेटर को ही कनेक्ट करते हैं, तभी हमें विद्युत वाहक बल मिल पाता है। यानी जो MVA यानी मेगा वाट प्रोजेक्ट या छोटे जो भी प्रोजेक्ट हैं, सभी किस पे आधारित होते हैं? अल्टरनेटर या आपका डीसी जनरेटर। ये क्या होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो फैराडे का चुंबकीय नियम है, उसी नियम के अनुसार ये कार्यरत है। यानी जब किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में हम एक किसी चालक को रख के अगर उसको घुमाएं, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स के काटने के फलस्वरूप हमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही विद्युत वाहक बल हम अपने घरों में देख पा रहे हैं। मतलब उसके अनुप्रयोगों से हम उसके प्रभाव को महसूस कर पा रहे हैं, विद्युत वाहक बल को देख नहीं सकते। आज तक किसी ने विद्युत वाहक बल को देखा नहीं है, महसूस किया हुआ है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे मेन टॉपिक डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या भिन्नताएं होती हैं। सबसे पहले भिन्नता ये होती है कि अल्टरनेटर जो होता है एक प्रत्यावर्ती धारा पैदा करता है, और डीसी जनरेटर एक बिना प्रत्यावर्ती यानी बिना फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई को प्रदान करता है। मेन क्या है, एक मेन बात यह है कि जो डीसी जनरेटर होता है और एसी जनरेटर, दोनों में प्रत्यावर्ती राशि ही हमें उत्पन्न होती है। यानी दोनों के उत्पादन प्रक्रिया में हमें एक फ्रीक्वेंसी टाइप ही विद्युत वाहक बल मिलता है, पर अल्टरनेटर उसको डायरेक्ट स्लिप रिंग से हमें सप्लाई दे देता है, और डीसी जनरेटर कम्यूटेटर से हो मतलब बाईपास करा के हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करके देता है। यानी डीसी जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि जो राशि यानी जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो प्रत्यावर्ती राशि यानी एसी सप्लाई ही पैदा होती है। दोनों में ये मेन समानता है। देखिए, कोई डीसी जनरेटर हो या एसी अल्टरनेटर हो, दोनों में सप्लाई आपको एसी सप्लाई ही मिलती है। डीसी जनरेटर में क्या भिन्नता होती है कि जब ये अल्टरनेटर डीसी जनरेटर में जब उसके आर्मेचर से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कम्यूटेटर उसको कलेक्ट करके उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी जीरो करने की करके उसे हमें कम्यूटेटर से ही हम ब्रश से या फिर जब मतलब कार्बन की ब्रशें होती हैं उससे हम कलेक्ट करके टर्मिनल पॉइंट पे भेज देते हैं, टर्मिनल पॉइंट से हम लोड को भेज देते हैं, ऐसा करते हैं हम। बट जो अल्टरनेटर होता है वो क्या करता है कि जब उसके अल्टरनेटर के आर्मेचर है ना, आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है वो डायरेक्ट स्लिप रिंग पे आके, स्लिप रिंग जो होता है एक चूड़ीदार छल्ला होता है, मैं आपको बता दूँ, एक गोल सा छल्ला होता है जो कि चारों तरफ से उसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती है, तो हमें जो सप्लाई डायरेक्ट उसके आर्मेचर से उत्पन्न हो रही है वही हमें डायरेक्ट टर्मिनल बॉक्स पे मिल जाती है, और वही टर्मिनल बॉक्स से हम कलेक्ट करके डायरेक्ट लोड को दे देते हैं। तो इस तरीके से डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में मुख्य भिन्नता और समानता यही होती है। तो भिन्नता तो आप देख लें कि एक से हमें डीसी सप्लाई मिलती है और एक से हमें एसी सप्लाई मिलती है, पर समानता क्या है, दोनों एसी सप्लाई ही पैदा करते हैं, यानी दोनों जनरेट जो सप्लाई करते हैं एसी टाइप ही होता है, यानी दोनों में फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, हमें शुद्ध एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में या कहीं भी पूछा जाता है कि हमें सबसे आइडियल और सबसे शुद्ध जो डीसी सप्लाई मिलती है वो किस चीज़ से मिल सकती है, यानी किस इक्विपमेंट से मिल सकती है या किस युक्ति से मिल सकती है। तो सबसे मतलब कि इसका सबसे सटीक आंसर या सबसे सही आंसर बोले जाए तो क्या किसको कहेंगे, डीसी जनरेटर को हम नहीं कहेंगे, इसका सबसे सटीक आंसर होगा बैटरी या सेल। देखिए, सेलों के समूह से बैटरी बनती है।
तो हम सेल या बैटरी को ही एक आइडियल सबसे शुद्ध डीसी स्रोत का, मतलब डीसी स्रोत का एक युक्ति मान सकते हैं। सबसे शुद्ध डीसी स्रोत हमें बैटरी से ही मिल सकता है। यानी अगर आप डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहीं से भी अगर डीसी आप कनेक्ट डायोड से कनेक्ट करके आप लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं पल्सेटिंग रहेगा और वो 100% आइडियल नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और मेरा इस टॉपिक को आपको बताने का यही मतलब था कि आप ये समझ जाओ कि अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर में एक सबसे मुख्य समानता जो होती है कि दोनों एसी सप्लाई पैदा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी सबसे पहली बात, और उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपके क्या टॉपिक है उसको मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उस वीडियो पर आपको जल्द से जल्द मिल जाए।